आज हम देखने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका एक्चुअल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम यहाँ पे तुरंत ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल एप्लीकेशन जो हमें इस चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, दैट इज टू मेजर दी हाइट, किसी चीज की हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट हमें निकालनी है या हमें कुछ डिस्टेंस निकालने हैं विदाउट एक्चुअल मेजरिंग देम, बिना मेजर किए उनकी हाइट या डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां हम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज देखेंगे और प्रैक्टिकली हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये कैसे यहां पर यूज होते हैं, जो हमने पढ़ा वो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको करने के लिए पहली बात, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान एक्सरसाइजेस है, छोटे छोटे रेशियोज का यूज करके हमको फाइंड आउट करना है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि हमें जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हमको सही तरह से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सही तरह से हमें उस क्वेश्चन को समझना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है उसको समझ करके हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ये इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का मेन टास्क है कि हम कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं। एक बार हमने क्वेश्चन को समझ करके और सही डायग्राम अगर प्लॉट कर लिया, सही डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो हमारा 75% जॉब डन। हमें बस उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसको समझ लेना है, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है, उसको इजिली हो जाते हैं। लेकिन मेन टास्क ये है कि क्या इंफॉर्मेशन वो दे रहा है उसको हमको सही तरह से इंटरप्रेट करना है और इंटरप्रेट करके एक डायग्राम के रूप में उसको डायग्राम उसका ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बहुत सिंपल है और बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे रेशियोज जो हमने देखे उससे हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं जो यहां पर यूज होने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला, इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है टू फाइंड दी हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट बतानी है या हमें किसी चीज का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट अस सी कि हम इसको कैसे सीखते हैं और कुछ क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बिल्डिंग है और मैं कहीं यहां पे खड़ा हूं और मुझे इस बिल्डिंग को देखना है या इसकी हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बिल्डिंग है और तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास जब मैं इस बिल्डिंग को देखूंगा यहां से, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं इस बिल्डिंग को अगर देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सिर को उठाना पड़ेगा, अपनी नजरों को उठाना पड़ेगा, इट इज लाइक दैट, तब मैं उस बिल्डिंग की हाइट को देख पाऊंगा। तो जो मेरी आंखों से जो ये गया है, एक रे जो इसके टॉप को देखेगी, कोई रे जो यहां से वहां से आके मेरी आंखों पे आ रही है या मैं आंखों से जो मेरी दृष्टि वहां जा रही है, इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, ये कहलाता है देखने की जो लाइन है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एक ये एक टर्म हमारे पास आ गया। दूसरा बात ये है कि ये जो यहां दिख रहा है, अगर मैं इसके पैरेलल यहां से यहां एक लाइन डाल दूं, एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, यहां मेरी आंखों के बराबर जो हॉरिजॉन्टल लेवल जा रहा है, मेरी आंखों के बराबर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल, कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये दूसरा हमारे पास शब्द जो हमने यहां सीखना है वो हमने यहां जान लिया है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब मेरी आंखें इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना ऊपर उठी है, जितना एंगल बना रही है, दिस इज ये एंगल, यही होगा एंगल, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से मेरी आंखें कितना एंगल बना रही हैं उस पर्टिकुलर हाइट को देखने के लिए, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब दिस, ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये दो तीन टर्म्स हैं जो हमें यहां पर सीखने हैं। अगर हम किसी चीज को ऊपर तरफ देखते हैं, सिर उठा के देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहां बिल्डिंग की हाइट है, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे कि बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है।
एच यहां मेरी हाइट है, दैट इज एच वन ले सकते हैं हम इसको, ये बिल्डिंग की हाइट कैपिटल एच ले लीजिए, मेरी हाइट को स्मॉल एच ले लीजिए मैं बहुत, ठीक है। तो वी कैन फाइंड, अब हमको इसमें अगर हाइट पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस एक्स ले लीजिए कि मैं कितनी दूरी पे खड़ा हूं इस बिल्डिंग के बॉटम से। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें जो हमको हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या हमारे अंडरस्टैंडिंग को बनाने में आए। मेन चीज है इसमें कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, वहां से हम कैसे इसको ड्रॉ कर दे। तो कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं, लाइट ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारी चीजें आ रही हैं। नाउ अब अगर मुझे, अगर मैं किसी हाइट वाली जगह पे खड़ा हूं और मुझे नीचे कोई चीज देखनी है, तो मुझे अपनी गर्दन को नीचे झुकाना पड़ेगा और अपनी लाइन ऑफ साइट को ऐसे लाना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी, ये ऊंची बिल्डिंग है, ये रोड है, मैं यहां पर कहीं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो मुझे यहां पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग में ऊपर खड़ा हूं, नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अपनी गर्दन को ऐसे झुकाना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ साइट जो मेरी आंखों और उस ऑब्जेक्ट के बीच में बन रही है, दैट लाइन ऑफ साइट यहां पे इस तरह से बन जाएगी। ओके, और यहां पे मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है इस तरह से बनेगा, दैट हॉरिजॉन्टल लेवल इज लाइक दिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया। अब दूसरी बात ये है कि इस हॉरिजॉन्टल, यहां हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल था, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल हमने देखा था, एंड दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे भी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल देखेंगे, लेकिन अब ये एलिवेशन नहीं हो रहा है, ये अब हो रहा है डिप्रेशन, ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ प्लॉट कर रहे हैं, ये एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये ग्राउंड का लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये दोनों बेसिकली होंगे पैरेलल होंगे। ग्राउंड भी एक हम कंसिडर करें, ग्राउंड भी तो एकदम स्ट्रेट है और हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल भी एकदम स्ट्रेट हम मान रहे हैं, तो ये दोनों जो एंगल होंगे, ये जो दो लाइन होंगी या दो जो लेवल होंगे, दे होंगे पैरेलल। और ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, वी कैन से इट इज कटिंग इट, यहां इसको कट कर रही है दो पॉइंट्स पर। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका और इसका क्या रिलेशन होगा? So these two angles are equal. क्यों equal? क्योंकि ये parallel lines हैं और parallel lines में transversal cut कर रही है, ये दोनों interior angles कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों angle equal होंगे, ये angle of depression है, so this is also equal to angle of depression. ये angle भी इसी के equal होगा, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, यहां कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है तो कई लोग इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पर जो कि बिल्कुल गलत है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हमें दिया हुआ है, हमें हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट का, वो हमें ध्यान देना है, दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस हाइट से क्या एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। हमेशा जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ये वो एंगल होगा जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बन रहा है, वर्टिकल से उसका एंगल नहीं होगा। ये आप बहुत ध्यान से रखेंगे, कई क्वेश्चंस में ये मिस्टेक्स हो जाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में, ठीक है। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं और ये टर्म्स आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे यहां पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस
और उसको सही तरह से कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सही तरह से हम उसको कैसे सोचते हैं और कैसे हम उस क्वेश्चन से उसको डायग्राम को बना लेते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और हम अब यही सीखेंगे कि कैसे करना है।